तो दोस्तों यहाँ हाल ही में OnePlus 7T लॉन्च हुआ है और अभी हमें यहाँ पर OnePlus 8 का पहला लीक भी मिल चुका है। तो इस लीक के बारे में बहुत चैनल्स कवर कर चुके हैं लेकिन इसके बारे में हिंदी में किसी ने नहीं बताया था, तो मैंने सोचा चलिए ये बहुत ही बढ़िया न्यूज है, आप लोगों को दे ही देते हैं। तो इस लीक का मेन सोर्स है OnLeaks और Cashkaro.com। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये न्यूज आपको बहुत ही ट्रस्टेड लीक सोर्स से मिला है, तो आप इसमें मे बी 90% विश्वास कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे इसके डिजाइन की। तो यहाँ पर आपको पीछे में बहुत ही सिमिलर डिजाइन मिल जाता है OnePlus 7 Pro से। इसका जो कैमरा अलाइनमेंट है, आप अगर OnePlus 7 Pro को देखेंगे तो इसका जो पीछे का कैमरा है उसी डिजाइन में आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो आपको पीछे का डिजाइन मिलता है वो आपको सेम मिलता है जैसे आपको OnePlus 7T या फिर OnePlus 7 Pro में देखने को मिला था। एक मैट ग्लास का डिजाइन मिलता है जो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली ये डिजाइन बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर आपको इजीली फिंगरप्रिंट्स इसमें नहीं आते हैं। तो इसके कैमरे को देख के लग रहा है कि इसमें भी हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाएंगे। और यहाँ पर इसके फ्रंट की बात करें तो यहाँ पर आपको जो कर्व डिजाइन मिलता है जो OnePlus 7 Pro में भी आपको देखने को मिला था, सिमिलर ऐसा ही आपको कर्व एजेस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर आपको एक नया चीज देखने को मिलता है और वो है इसमें आपको पंच होल डिजाइन मिलेगा। जी हाँ, इसका फ्रंट कैमरा इस बार पंच होल डिजाइन के साथ आने वाला है। तो इसका फ्रंट बिल्कुल आपको सैमसंग के फोन जैसा देखने में लग रहा है क्योंकि आपको शायद पता ही होगा कि सैमसंग के जितने भी फ्लैगशिप अभी फोन आए हैं, मतलब सैमसंग गैलेक्सी S10 और S10 प्लस, इसमें भी आपको पंच होल कैमरा मिला था, और वैसे ही सिमिलर डिजाइन आपको यहाँ OnePlus 8 में भी देखने को मिल सकता है। तो हमें यहाँ पर लग रहा है कि OnePlus बहुत सारे नए नए चीजें ट्राई कर रहा है, जैसे कि आपको OnePlus 7T में देखने को मिला था जो सर्कुलर डिजाइन का एक कैमरा आपको पीछे देखने को मिला था, और इस बार आपको फ्रंट कैमरा पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने को मिल रहा है। तो ये सिमिलरली एकदम पूरा सैमसंग के फोन जैसे लग रहा है क्योंकि अगर आप इस फोन को सैमसंग के साइड बाय साइड रखते हैं तो आपको प्रीटी मच सेम डिजाइन देखने को मिलता है, मतलब आपको वही एजेस देखने को मिल रहे हैं और साथ में आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है। सो यहाँ पर आपको बहुत ही सिमिलर डिजाइन मिल जाता है। और रही बात इसके नए नए फीचर्स की, तो यहाँ पर आपको शायद वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा, और यहाँ पर जो आपको हेडफोन जैक था OnePlus 7 Pro में भी देखने को नहीं मिला था और इस बार भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर जो आपको रिफ्रेश रेट है, मतलब जो OnePlus 7 Pro में आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिला था, इस बार भी हमें शायद 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा, या फिर हमें यहाँ पर 120 हर्ट्ज का भी रिफ्रेश रेट देखने को मिल सकता है क्योंकि आपको पता ही होगा कि Asus ROG Phone 2 में हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिला था, तो ये फोन प्रीटी मच OnePlus 7T को किल कर रहा था। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि सेम प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे नए चीजें Asus ROG Phone 2 में देखने को मिल रहा था। तो इस बार हमें लगता है कि यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा फीचर्स OnePlus 8 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही शानदार 3D रेंडरिंग से हमको पता चल रहा है कि इसका होल डिजाइन कैसा होने वाला है, मतलब बैक टू फ्रंट आपको बहुत ही अच्छा डिजाइन आपको यहाँ मिल जाता है OnePlus 8 में। तो देखते हैं लॉन्च होने के बाद हमें पता चल जाएगा कि ये लीक सच है कि नहीं। तो अगर ये सच में ऐसे डिजाइन के साथ आने वाला है तो ये बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि यहाँ पर हमें कुछ नया चीज OnePlus की तरफ से देखने को मिल रहा है। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसे लीक्स और भी आने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।